आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 13 गला भी ऐसे ही कटेगा। उदयपुर की घटना की निंदा करने पर, नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और रियलिटी शो रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी को मिली जान से मारने की धमकी। निहारिका तिवारी वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट जिन्हें अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, वो भी इसीलिए कि उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या और नूपुर शर्मा का समर्थन किया। जी हाँ, निहारिका तिवारी को उनके इंस्टाग्राम पर ये धमकियां मिल रही हैं। यही रही, निहारिका तिवारी को उनके सोशल अकाउंट पर धमकी के साथ साथ भद्दे कमेंट भी मिल रहे हैं। निहारिका तिवारी ने बस किया ये था कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर उदयपुर की घटना की निंदा की थी, जिसके बाद से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि निहारिका तिवारी इस शूटिंग के लिए इंडोनेशिया में है। धमकियों को लेकर निहारिका ये भी कहती हैं कि बहुत कम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इस तरह के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। उदयपुर की घटना निंदनीय थी, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने नूपुर शर्मा का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ दर्जी कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या की गई उसका विरोध अपनी पोस्ट के माध्यम से किया। आपको बता दें कि निहारिका ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खुलेआम मर्डर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, क्या ये सही है? हम हिंदू भगवान शिव का नाम लेकर किसी का गला नहीं काटते, ये कभी सुनने को नहीं मिला किसी हिंदू ने शिव जी के लिए किसी का मर्डर कर दिया, हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ेगा तो हमें भी गुस्सा आएगा, नूपुर को सस्पेंड कर दिया क्या, लेकिन उनका अब क्या जिन्होंने हमारे शिव जी को लेकर गलत बोला। जी हाँ, निहारिका तिवारी ने बताया है कि उन्होंने इंस्टाग्राम में अलग अलग आईडियो से धमकी मिल रही है और इन धमकियों में तेरा गला भी ऐसे ही कटेगा तो रुक, ऐसी कई अनगिनत धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें, नूपुर शर्मा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के कुम्हारी में भी नूपुर शर्मा के समर्थन में एक 22 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में ऐसी धमकी देने वाला ये दूसरा मामला सामने आया है। जय भारत टीवी के लिए साक्षी सजवाण की रिपोर्ट।